अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और इसीलिए उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी कहा था कि राम जी का मंदिर बन गया है लेकिन अब हमें राम से राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़ना है और इसी राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे बजट को प्रस्तुत करवाया है जो पूर्व में उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां और निराशाजनक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो टूटी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी उस अर्थव्यवस्था के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने धीरे धीरे पूंजीगत व्यय परिव्यय में वृद्धि लक्षित सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की लक्षित त्रिआयामी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समन्वय हासिल किया है। इस सक्रिय उपाय के परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा जो परियोजना है समय के साथ देवास में निश्चित रूप से आई। जैसे जैसे मेट्रो ट्रेन की आवश्यकता जिन जिन शहरों में महसूस होने लगी है उन शहरों में मेट्रो ट्रेन का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जारी है। देवास को जैसे ही मेट्रो ट्रेन की आवश्यकता महसूस होने लगेगी केवल आपके बोलने से बाकी जनता को जैसे महसूस होने लगेगी नहीं हजारों लोग जा रहे हैं सांसद जी, हजारों लोग रोज अपडाउन कर रहे हैं सांसद जी, मुझे दे चुके हैं ज्ञापन दे चुके हैं सांसद जी, अपन मेट्रो परियोजना के लिए बढ़ेंगे और जब सही समय आएगा तो देवास में मेट्रो परियोजना। सांसद जी बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं इंदौर में और मेरा प्रयास देवास के सर्वांगीण विकास को लेकर है। मैं किसी एक दृष्टि से देवास के लिए प्रयास नहीं, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी एक ही है, जब से एक ही विद्यालय देवास के सर्वांगीण विकास को नहीं, शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, वही सर्वांगीण विकास समझते हैं समझते हैं, लेकिन ये मूलभूत सुविधा जो आपने बोला अधिकार है हमारा सर्वांगीण विकास को लेकर प्रयास रखूं। जिन जिन चीजों की कमी महसूस होगी उन सभी चीजों की डिमांड केंद्र सरकार से राज्य सरकार से की जाएगी, उन्हें स्वीकृत कराया जाएगा और देवास में उसको अमली जामा भी पहनेगा। सांसद जी बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं इंदौर, अधिकतर जो बसें हैं वो प्राइवेट हैं और गुंडे मोहल्ले टाइप के लोग चलाते हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ऐसे में देवास के लोग डरने लगे हैं बच्चों को इंदौर पढ़ने भेजने के लिए। ऐसे में क्या है आप इसी को डिमांड करेंगे, मेट्रो में टाइम लगेगा मान लीजिए कि राज्य परिवहन जैसी कोई व्यवस्था देवास और इंदौर के बीच में और पूरे राज्य में शुरू हो जाए ताकि कम से कम बच्चे सुरक्षित जा सके। यदि इस प्रकार का कोई मामला है तो पहली बार मेरे ध्यान में आया जी, लगातार मामले हैं और ये विषय बहुत गंभीर है। इस मामले में मैं कलेक्टर से और एसपी से बात करके कोई उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करने का प्रयास करते हैं और यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो उसकी शिकायत पुलिस में होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की घटना की होगी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की ऐसी कामना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और 2043 का सशक्त भारत, स्वर्णिम भारत, विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अतिरिक्त अधिकतम शासन के मार्ग पर काम करें ऐसा उद्देश्य हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहकारी संघवाद में भी बहुत विश्वास है। वो जानते हैं कि अगर देश में एक केंद्र की सरकार चल रही है तो राज्य में भी अपनी एक सरकार होती है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उस परिकल्पना को और अधिक मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकांक्षी जिले जैसी योजनाएं बनाई। देश के वो गांव जो सीमावर्ती इलाके पर होते थे और धीरे देश का अंत मैं अभी जहां पर जा रहा हूं हर एक स्थान पर मुझे कोई ना कोई व्यक्ति
है और वो कहते हैं कि सांसद जी इस बार लगता है कि 400 पार ही जाएगा। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेंगे, इस बार का जो चुनाव है वो भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए लड़ेगी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को फिर से स्थापित करेगी। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से दूर करते हुए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इस देश के शासन को चलाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि झारखंड में किस प्रकार से कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ रुपए की नगद राशि प्राप्त होती है। किस प्रकार से झारखंड का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करने के बाद लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करते हुए फरार हो जाता है और जब उसके घर पे तबीज डाली जाती है तो वहां से भी गुमनाम संपत्तियों के दस्तावेज, नगद राशि और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां प्राप्त होती है। नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, घर घर प्रसाद पहुंचाने का काम करें और जो लोग राम मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको राम मंदिर के दर्शन कराने में भी मदद करें। तो जिस व्यक्ति की जितनी श्रद्धा होगी, जितने साधन होंगे, उन साधनों में जो भी आवश्यकता होगी, जो साधनों की कमी होगी, उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी उसमें स्वयं करेगा। गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को 34 लाख करोड़ रुपया सामाजिक कल्याण लाभ पहुंचाने का काम किया, वरना इस देश में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा था कि हम सामाजिक कल्याण के लिए 1 रुपया यदि नीचे भिजवाते हैं तो व्यक्ति तक केवल 15 पैसा पहुंचता है। जो 85 पैसा जो गरीबों का पैसा था, जो युवाओं का पैसा था, जो अन्नदाताओं का पैसा था, जो महिलाओं का पैसा था, उसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत डायरेक्ट खाते में भिजवाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और जो 85% 1 रुपया में से 85 पैसा यदि नहीं पहुंच पाता था तो इसका मतलब यह है कि 85% का भ्रष्टाचार कांग्रेस व अन्य सरकारों में होता रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की योजना को लाकर वो 85 पैसा भी जनता की जेब में डालने का काम किया है। किस विषय को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 1 फरवरी 2024 को देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट पेश किया है। ये बजट नरेंद्र मोदी जी के 2047 के सपने के भारत का बजट है। इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अंतरिम बजट को आने वाले समय के भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बजट के रूप में पेश किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि यह देश सशक्त हो और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी यह देश विश्व का नेता बने, इसी दृष्टि से बजट प्रस्तुत किया गया था। इस बजट के मुख्य बिंदुओं को बताने के लिए मैंने आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता की। बहुत धन्यवाद।